मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। श्रीमद् भागवत समर्पण किया स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, मंच पर विद्यमान स्वामी श्यामानंद जी महाराज, श्री नारायण स्वामी जी महाराज, श्री हंसदास जी महाराज, श्री वृंदावन सागर जी, संगीतकार महानुभाव एवं उपस्थित समस्त धर्म प्राण श्रीमणि सुंदर साजी माताएं बहने भाइयों सभी को कोटि कोटि करवादा। कार्यक्रम का चतुर्थ दिवस, जब गाड़ी चलती है ना तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर धीरे धीरे यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसे हमारी ये ज्ञान की यात्रा, भक्ति की यात्रा, सेवा की यात्रा, प्रेम की यात्रा, सद्भाव की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मंगल धाम का रजत जयंती महोत्सव देखिए, जो मेले आते हैं ना उन्हें मनाना चाहिए। जैसे लोग जन्मदिन मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं, क्योंकि जीवन को उत्सव बनाना, जीवन को निराशा न बनाना, जीवन को हताशा न बनाना, जीवन को व्याकुल न बनाना। अभी कितनी सारी बातें आप सुन रहे थे ना स्वामी जी से, जो कोल्हापुर से आए स्वामी जी, हम लोग उनके आश्रम में गए तो देखा कि उनका जो निवास है वहां कोई पंखा नहीं है। बोलते हम नेचुरल हवा देते हैं, पंखे का हवा नहीं रखते हैं। और उन्होंने जो मकान बनाया है वो भी दूसरे ढंग का है, समुद्र के पत्थरों से बनाया है, बिल्कुल अलग ऋषि मुनियों का आश्रम जैसा। फिर हमने देखा कि दूसरे संत गुरुजन तो अपना आसन ऊंचा बना करके और आगंतुकों का आसन थोड़ा नीचे होता है ना,
उनका देखा कि उनका आसन हम लोग जहाँ बैठे थे उसे 4 इंच नीचे था। ऐसे बिना मंत्रा स्वामी जी, इसीलिए मैंने देखा कि रजत जयंती में उनको जरूर बुलाना चाहिए। जब हम गुरु को दिखाने के लिए स्वामी जी लिए जा रहे थे तो उनकी गाड़ी थोड़ी विलंब से आई। एक बाइक के पीछे बैठे वो और जल्दी से गुरुकुल की ओर लेकर के हम लोगों की गाड़ी पीछे पीछे चली। बाद में हमने देखा हमारे पीछे एक और गाड़ी आ रही है, फॉर्चुनर जो स्वामी जी की गाड़ी है, पर वो तो बाइक के पीछे चलते जा रहे हैं। एक मिनट भी हमारा विलंब होने नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही देश के लिए समर्पित, संस्कृति के लिए समर्पित और भारतीय भावनाओं के लिए समर्पित स्वामी कार्ड सिद्धेश्वरानंद जी महाराज, अभी वो पहाड़ी क्षेत्र के नर्सरी में क्या क्या फूल खिलते हैं नेचुरल, वो सब देखने गए। रात्रि यहीं पर रहेंगे, केवल एक दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए जीवन जीने की कला। अब खाने में तो चेहरे आपने सुना, तो क्या करें, खाएं कि न खाएं, दूध पिए कि न पिए, मिठाई खाएं कि न खाएं। एक चीज तो हो सकता है कि हम कम खाएं कम पिए, संयम से पिए संयम से खाएं तो काफी कुछ बचाव हो सकता है। देखिए श्री प्राणनाथ जी महाराज संयम को, त्याग को, तपस्या को, भावना को बहुत बड़ी बात बताते हैं। गुरु महाराज मंगलदास जी, मैंने देखा देसी गाय का ही दूध पीते थे, देसी गाय और काली गाय का दूध पीते थे गुरु महाराज। अब मुझे पता लगा कि देसी गाय के दूध में कितना कुछ शक्ति है, क्योंकि भारत जो है ना विश्व का एक गुरु है ना, परमात्मा ने सृष्टि रची तो सबसे पहले भारत पे दृष्टि रही है, कहते हैं ना कि सृष्टि परमात्मा करने लगे तो किसी संत ने कहा था जैसे पकोड़े बनाते हैं ना, पकोड़े बनाते हुए पकोड़े थोड़े कच्चे निकलते हैं ना कभी कभी, तो उनको यूरोपियन अमेरिकन कहा है, गोरे ज्यादा होते हैं, पकौड़े ज्यादा जलते हैं तो काले काले हो जाते हैं ना, उनको अफ्रीकन कहा है, पकौड़े ठीक ठीक से बनते हैं तो उनको इंडियन कहा जाता है, न ज्यादा कच्चे न कच्चे, इंडियन लोग न कच्चे हैं न ज्यादा जले हुए हैं, इंडियन लोग सही सही अवस्था में है। और भारत देश ऐसा है कि इस देश में 6 ऋतुएं हैं, इस देश में विदेश में 6 ऋतु कहीं कोई देख नहीं सकता है, समर और विंटर, ज्यादा देशों में तो 2 ही ऋतुएं हैं, विंटर में कांपते रहते हैं समर में गर्मी देखते रहते हैं, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं और 6 ऋतुओं में होने वाले फल सब्जियों का अलग अलग स्वाद होता है, पर आजकल व्यापारियों ने ये रसायन खाद डाल करके ना, इसीलिए सारा विश्व जैविक खेती बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, सिक्किम पूरा ऑर्गेनिक फसल तैयार कर रहा है और दुनिया में बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक, क्योंकि हमको प्रकृति की तरफ जाना है। पर आजकल जो फास्ट फूड खाते हैं उनका क्या हाल होगा पता नहीं, स्वामी जी से ही पूछना पड़ेगा। देखिए हमारा इंडियन फास्ट फूड क्या है, देसी फास्ट फूड भी है ना, सत्तू और चूड़ा है ना, ये देसी फास्ट फूड है। सत्तू में थोड़ा सा नमक और पानी डाल करके घोल करके पियो, सिलीगुड़ी में रिक्शा वाले यही तो करते, दिन भर रिक्शा चलाते हैं और एक घंटी में सत्तू नमक पानी डाल करके पीते हैं, हमसे तंदुरुस्त है, हमसे मजबूत है और हम लोग बढ़िया खाते हैं, घर में हम बीमार पड़े रहते हैं, दवाइयां लेते रहते हैं, वो लोग दवाइयां भी नहीं लेते। चिवड़ा भी फास्ट फूड है, उसमें दही डाल करके खाइए, दूध डाल करके खाइए,
पर बाजार में जो फास्ट फूड मिल रहा है ना, उसमें कितना सोडा डालते हैं, कितना रासायनिक चीज डालते हैं, हमें कुछ अंदाजा नहीं है। तो हम स्वदेशी बने, स्वदेशी चीज का उपभोग करें, स्वदेशी भोजन बनाएं और अपने हाथ का भोजन बनाएं। बाजार का भोजन इतना स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता है। अपने हाथ से भोजन तैयार करना और राज्य को भोग करा करके खाना, प्रसाद बना करके खाना। देखिए मीरा को जहर भेजा ना, मीरा के देवर ने मीरा को मरवाने के लिए जहर भेजा। जब परमात्मा को भोग लगाया, श्री कृष्ण को भोग लगाया मीरा ने, तो जहर भी अमृत बन गया। हम भी भोग लगा देते हैं, क्योंकि जो खाने पीने से जहर जा रहा है उसकी शक्ति को कम करने के लिए परमात्मा को अर्पण करने से, तभी हम मस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पय गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये संस्कृत का भोग है ना। संस्कृत का भोग आपको जरा कठिन सा लगता है तो हिंदी में भी भोग है। चौदह लोक धनी तुम्हारी साखा, जो दिन है सो आगे राखा, जो जो भावे सो सो लीजे, झूठ ना अपने दास को दीजे। चार लाइन में भोग लग गया परमात्मा को। भोग लगाने के लिए कोई भोग तो नहीं लगता। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़े और बूढ़े लोग को भोजन में थाली आने के बाद ऐसे आंख बंद करके 10 मिनट 15 मिनट झुकते हुए बच्चे लोग देखते हैं, बोलते हैं हमसे भोग नहीं लगा जाएगा। भोग तो 1 सेकंड में भी लग जाता है। परमात्मा को याद करना है ना, बस परमात्मा याद करते ही उपस्थित हो जाते हैं, फिर भोजन भोजन नहीं रहेगा, भोजन प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद कभी आपके जीवन में रोग व्याधि लेकर के नहीं आता है। प्रसाद आपके जीवन में प्रसन्नता लेकर के आता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता कहते हैं। प्रसाद का अर्थ कृपा पात्र बनना भी। तो इस तरह से हम जीवन के अंतर्गत सत्कर्मी बने, सद्धर्मी बने, स्वदेशी बने। और स्वदेशी बनने का एक और अर्थ भी है। प्राणनाथ जी कहते हैं भारत तो हमारा स्वदेश है, नेपाल हमारा स्वदेश है, पर एक हमारा स्वदेश है, आत्मा का स्वदेश, उसे परमधाम कहा जाता है। जो परे से परे का धाम है वो आत्मा का स्वदेश है। जब तक शरीर है हम अपने स्वदेश में रहे, स्वदेश की भक्ति करते हुए रहे। जब शरीर छूट जाए ना, तो हमारा आत्मा का स्वदेश में भी पहुंचने के लिए हम प्रयास करें। वह स्वदेश है परम धाम। उस परम धाम जाने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, तो एक चौपाई में कहते हैं, मेरे दिल के देखी और दर्द न कछु विसरता, ना सेवा ना बंदगी, यह मेरी भीतर का। इससे बात खुल जाती है। श्री जी महाराज कहते हैं स्वदेश जाने के लिए, परम धाम जाने के लिए दिल में दर्द हो। माँ के दिल में दर्द होता है तो बच्चों को खिलाने के बाद बाद में खाती है ना। कोई भी माँ घर में पहले नहीं खाती है, उसके बच्चों ने खा लिया, सबने खा लिया, फिर बाद में वो खाती है, क्योंकि उसके दिल में एक दर्द होता है। ऐसे ही भक्त के दिल में दर्द आ जाए, संसार के दिल में दर्द आ जाए, तो पूछेगा राज्य का भोग लगा भी नहीं। भोग लग गया तो प्रसाद पाएगा, राज्य का भोग नहीं लगा है तो नहीं खाएगा। ये दर्द की बात होती है, परमात्मा के प्रति एक दिली भावना। फिर कहते हैं कि प्रेम हमें उदय हो जाए, हम प्रेमी आत्मा बने। देखिए प्रेमी बनने के लिए कई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। प्रेमी बनने के लिए हमें सत्संग करना होगा और हमें सद ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। जब हम वाणी पढ़ेंगे, जब हम सत्शास्त्र को पढ़ेंगे, तो हमारे दिल में प्रेम खुद ब खुद प्रस्फुटित हो जाता है, दिल का प्रेम प्रकट हो जाता है। कभी कभी तो भजन गाने से भी प्रेम प्रकट हो जाता है, कभी कभी मंत्र जाप करने से भी प्रेम प्रकट हो जाता है,
परमात्मा मेरे स्वामी, मैं उनका दास, परमात्मा मेरे मालिक, मैं उनका भक्त, ये भाव हृदय में आ जाए। हम हक में, हक हम में, हक बिना सब ख्वाब, ये भाव हमारे दिल में आ जाए, प्रेम हृदय में प्रकट हो जाए, हम प्रेमी आत्मा बने, दुनिया में नफरत करने वाले न बने, दुनिया में प्रेम और सद्भाव फैलाने वाले बने, ये परमधाम जाने के लिए हमारे लिए इस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं सेवा, तुम सेवा ये पाओ के पार के वचन धनी कहे निर्धार। कहते हैं सेवा से पार पाना, सेवा क्या है? एक तो जनता की सेवा, जगत की सेवा, गरीबों की सेवा, जरूरतमंदों की सेवा, हमसे जो सेवा बन पड़े वो सेवा हम करें। भूखों को हम जितना खिला सकते हैं उतना खिलाएं, नंगों को जितना हम कुछ कपड़े दे सकते हैं दें, जो कुछ बने वो हम करते रहे। जीवन में खुद ही पहनने के लिए तो इतने कपड़े रंग रख रहे हैं ना, कई लोगों के घर में जाकर के देखा तो इतने सारे कपड़े जो साल भर में कभी पहनते भी नहीं, तो रख के क्या करेंगे? कोई गरीब कांप रहा है, कोई दुखी जो है बिना कपड़े के सो रहा है, बिना कपड़े के चल रहा है, किसी के काम आ जाए। वस्त्र दान, अन्न दान, भूमि दान कहते हैं, ये कई चीजें दान करने के लिए चीजें होती है। तो इस तरह से संसार के अंतर्गत आप देखी है सेवा धर्म, ये जगत की सेवा है। और दूसरी सेवा होती है प्रभु परमात्मा की, पूर्ण प्रभु परमात्मा की सेवा करना, उन्हें याद करना, उन्हें भोग कराना, उनके चंदन करना, उनकी आरती उतारना, जीवन को उनके चरणारविंद में समर्पित करना, प्रभु की सेवा, परमात्मा की सेवा, जिसने हमें रचा, जिसने हमें संसार का नजारा दिखाया, जिसने हमें संसार में जीने का अधिकार दिया, जिसने हमारे अंतर्गत श्वास भर करके भेजा। देखिए फुटबॉल में हवा भर करके बेचा जाता है ना, तो लोग फुटबॉल खेलने वाले उससे खेलते रहते हैं। परमात्मा ने श्वास भर करके भेजा है ना हमारे जीवन में, हम श्वास लेते जा रहे हैं। कहते हैं एक स्वस्थ आदमी 21,600 बार 24 घंटे में श्वास लेता है। हम 24 घंटे में 21,600 बार श्वास ले रहे हैं, तो 1 घंटे में 900 बार ले रहे हैं, 1 मिनट में 15 बार श्वास ले रहे हैं। ये श्वास लेने देने की शक्ति उसी परमात्मा परमात्मा ने प्रदान की है, उनकी कृपा है कि हम श्वास ले रहे हैं, उनकी कृपा है कि हमारा अंग चल रहा है, उनकी कृपा है कि हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, उनकी कृपा है कि हमारा मन अच्छा अच्छा सोच रहा है। इसलिए हम उस परब्रह्म परमात्मा को याद करते रहे, परमात्मा हमसे और कुछ ज्यादा नहीं चाहते। कभी कभी आप मंदिरों में जाते हैं तो लोग चढ़ाते हुए नजर आते हैं तो आपको लगता है चढ़ाने से ही परमात्मा मिलते हैं। परमात्मा पूजा के भूखे नहीं होते, परमात्मा प्रेम के भूखे होते हैं। पूजा तो एक माध्यम है, चढ़ाना एक माध्यम है, पर उसके साथ आपने प्रेम चढ़ाया नहीं है, आपने श्रद्धा चढ़ाई की नहीं, आपने विश्वास चढ़ाया की नहीं, आपने भावना चढ़ाई की नहीं, सबसे बड़ी बात है। भाव ही विद्यते देवो तस्मात् भाव ये कारण, हमारे शास्त्र कहते हैं नकाष्ठे विद्यते देवो, लकड़ी की मूर्ति में परमात्मा नहीं होते, ना पाषाणे पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा नहीं होते, ना मृत्युंजय मिट्टी की मूर्ति में भी परमात्मा नहीं होते हैं। परमात्मा होते हैं यदि कहीं तो भावना की मूर्ति में होते हैं। हमने अपने भावना को लकड़ी से जोड़ा, हमने अपने भावना को पत्थर से जोड़ा, हमने अपने भावना को मिट्टी से जोड़ा, हमने अपने भावना को ग्रंथ से जोड़ा, परमात्मा वही भावना में विद्यमान होते हैं। इसीलिए भाव को सदा पवित्र रखें, भाव को सदा हम जो है परमात्मा में अर्पित हो सके ऐसा सुंदर बना करके रखें। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं आपके दिल में सेवा भाव हो और आपके दिल में बंदगी का भाव हो। बंदगी मतलब झुक झुक करके, देखिए लोग जरा सा उसमें बल आने के बाद अहंकार दिखाता है, धन आने के बाद अहंकार दिखाता है, पद आने के बाद अहंकार दिखाता है, मान सम्मान मिलने के बाद अहंकार दिखाता है,
पर धर्म कहता है अहंकार का विसर्जन करो, निरअहंकारी बनो, निराभिमानी बनो, प्रणाम करके मिलो। प्रणामी धर्म का अर्थ क्या है? प्रणाम करके मिलो, किसी से भी मिलो, जहां भी मिलो, जिससे भी मिलो, बस दिल खोल करके प्रणाम करके मिलो, क्योंकि प्रणाम प्रेम को देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार, पंथ हो गए कोटि कलम, प्रेम पहुंचावे मिले पलक, प्रेम ऐसे हाथ सुधारे और बैठे पार उतारे। कहीं भी हम मिले प्रणाम करके, प्रणाम करने से विनम्रता आती है ना। प्रणाम का अर्थ क्या होता है? प्रकर्ष भाव का नमन, उत्कृष्ट भाव का नमन। इसी प्रकार मन में अहम लिए बिना समर्पित भाव का ये नमन है। तो ऐसा प्रणामी ज्ञान, ऐसा परम धाम पहुंचाने वाला ज्ञान महामती प्राणनाथ जी वाणी में हमें प्रदान कर रहे हैं, कार्तम सागर में हमें प्रदान कर रहे हैं। पर साथ साथ में देखिए कि श्रीमद् भागवत की कथा भी हमें सुननी है। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज हमारे मध्य विद्यमान है। आज से स्वामी जी ने अखंड पाठ का भी पारायण प्रारंभ किया है, क्योंकि जब जब भी महाराज जी चार दिन पांच दिन कलिम्पोंग रहने का मौका मिलता है तो एक पारायण कर ही लेते हैं। तो आज भी महाराज जी ने पारायण प्रारंभ किया है। हमें उन्हें हम लोगों ने तो उनको अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि महाराज जी पारायण आप जरूर पढ़े, पर थोड़ा कुछ फलाहार करते हुए आप पारायण पढ़े, दुग्धाहार करते हुए पारायण पढ़े, ऐसा हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया है। तो ठीक है, महाराज जी अपने नित्य नियम से पाठ पढ़ते हुए कथा के समय में कथा सुनाते रहेंगे। अभी समय हो गया है श्रीमद् भागवत का, इसलिए जय जयकार के साथ सभी कथा सुनने के लिए आप तैयार हो जाएं। और भागवत के अंत में हमारे बालिका आश्रम के बच्चों के द्वारा एक नृत्य होगा, उस नृत्य के बाद ही कार्यक्रम का समापन होगा। आप तब तक यहाँ पर बने रहे, बैठे रहे और कथा के आनंद को जीवन में उतारते रहे। जय जय सदगुरु महाराज की, जय नाथ प्यारे की।